क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 - 1 इज राइट। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज इसको मान लेते आई राइट। सो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रल वन अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 - 1 डीएक्स। कैसे सॉल्व किया जाए तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं टी बराबर एक्स टू द पावर 4 है ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही देखकर इसको फैक्टराइज करने लगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करोगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लाइक दिस। आप स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा करना चाहो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड फिर इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर लोगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी डिनोमेटर में आपका इतना फैक्टर आ गया है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे दैट विल टेक टाइम दैट विल टेक इनफैक्ट टू मच टाइम है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं टी बराबर एक्स टू द पावर 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डी टी बराबर क्या आ जाएगा 4x³। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो क्या करा जाए। तो देखो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 4x³ लिख सकते हैं क्या है ना। अब देखो अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा देखिए जरा इंटीग्रल हो जाएगा डी एक्स के जगह पे ये रख लेते हैं डी टी अपॉन 4x³ डिवाइडेड बाय एक्स इंटू आपने एक्स टू द पावर 4 को क्या माना था टी टी माइनस 1 ठीक है। अब ये बेसिकली कैसा दिख रहा है आपको सो ये डी टी अपॉन ये 4 हो गया और एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा क्या x³ एंड एक्स एंड टी माइनस 1। अब आप देखो इसमें बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन ये होने वाला है राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 को बाहर कर लो तो क्या मिल रहा है डी टी अपॉन ये टी और ये टी माइनस 1। अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो है ना। अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे पास अब हमारे पास हो गया आई बराबर 1/4 इंटीग्रल डी टी बाई टी इंटू टी माइनस 1। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली अगर आप लिखना जानते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन टी माइनस 1 एंड माइनस 1/t यही होगा क्या जरा देखिए करके डी टी। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा ये आ जाएगा टी और माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस 1 आ गया ना सेम चीज़ राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली यही चीज़ तो करते हैं 1/t इंटू टी माइनस 1 बराबर क्या करते हैं ए अपॉन टी एंड प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। अब यहाँ से ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें तो ए बराबर टी को जीरो कर लो और इसमें रख दो तो टी को जीरो करोगे तो क्या मिलेगा टी को जीरो करोगे तो बस जिसको जीरो कर रहे हो उसको हटा देना तो 1/0 - 1 यानी माइनस 1। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टी माइनस 1 को जीरो करो तो टी इक्वल टू 1। अब टी का वैल्यू 1 रखना है इस वाले एक्सप्रेशन में टी इक्वल टू 1 रखना है बट टी माइनस 1 में नहीं रखना है तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 तो बी हो जाएगा आपका 1 देखो यानी 1/t - 1 और ये -1/t यही सेम चीज आ रहा है ना यस। ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 1/t - 1 डी टी एंड -1/t dt। अब आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 ये हो जाएगा ln mod t - 1 माइनस ln mod t और ब्रैकेट क्लोज्ड ठीक है। यहां तक समझ आया इसके बाद अब क्या करा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1/4 1/4। अब देखो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो ln a माइनस ln b प्लस c तो लिखना जरूरी है ये 1/4 ln mod t - 1 t एंड प्लस c हो जाएगा तो 1/4 ln t आपने क्या माना था टी आपने माना था एक्स टू द पावर 4 को तो एक्स टू द पावर 4 - 1 यही माना था ना एग्जैक्टली। सो टी टू द पावर एक्स टू द पावर 4 - 1 बाय एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस सी ये हो जाएगा आपका फाइनल
आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन पे आप वर्कआउट कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखो करते क्या है शॉर्टकट में, जैसे मान लो आपको ऐसी चीजें हो, जैसे मान लो वन अपॉन हो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री हो, ठीक है ना। और इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिख दिया, ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू, चलो दो का ही ले लेते हैं, है ना, दो का ले लेते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में क्या करते हैं, आप तो लॉन्ग मेथड जानते हो कि एलसीएम लेंगे फिर कोफिशियंट कंपेयर करके निकाल देते हैं, है ना। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, देखो ए का वैल्यू निकालना है तो ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को जीरो करो, एक्स बराबर वन आ गया। अब एक्स बराबर वन इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, लेकिन वहां पे नहीं रखेंगे जहां पे एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन को हटा दो, तो क्या बचा, एक्स माइनस टू, तो वन अपॉन वन माइनस टू, यानी कितना हो गया, वन अपॉन माइनस वन यानी माइनस वन, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। अब अगर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करो, तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो यानी एक्स बराबर टू। अब एक्स बराबर टू रखना है इस एक्सप्रेशन में, लेकिन वहां पे नहीं जहां पे एक्स माइनस टू है, तो इसको हटा देंगे, बचेगा क्या, वन अपॉन एक्स माइनस टू यानी टू माइनस वन, यानी क्या बचेगा, वन, तो बी का वैल्यू वन हो गया। ऐसे करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।